हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपका अभी छोटा चैनल है, अभी तक आपका चैनल ग्रो नहीं हुआ है और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से कि मेरा चैनल अभी तक ग्रो नहीं हुआ है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की तरफ से एक बहुत ही कमाल का अपडेट आया है जिसमें यूट्यूब ने खुद बताया है कि आपको अपने चैनल को कैसे ग्रो करना है, कैसे आपको व्यू सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करने हैं, कैसे आप उस अपडेट का यूज़ करके अपने चैनल को और ज़्यादा उस पर व्यूज़ और ज़्यादा उस पर सब्सक्राइबर लाखों में ला सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पर सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने मेल खोली हुई है। तो आप अगर एक यूट्यूबर हैं तो आपको भी इस तरीके का मेल आपके यूट्यूब चैनल पे देखने को मिला होगा। और मैं आपको सिस्टम से अपने लैपटॉप से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसकी स्क्रीन बड़ी है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो मोबाइल में आप इस मेल को खोल सकते हैं और वहां पर भी आप समझ सकते हैं अगर आप एक मोबाइल यूजर हैं। तो अब बात करते हैं इस अपडेट के बारे में जो ये YouTube की तरफ से आया है, जो आपको मेल के रूप में मिला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कीप इट फ्रेश टू फाइंड न्यू फैंस, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है हाउ डू यू रीच न्यू ऑडियंस हु वुड लव योर चैनल बट जस्ट हैवंट डिस्कवर्ड इट येट, चेक आउट दीज सिंपल टिप्स टू अट्रैक्ट न्यू व्यूअर्स एंड कीप योर एग्जिस्टिंग फैंस एंगेज्ड। मतलब ये आपसे कह रहा है कि जो आपका ऑडियंस है, नई ऑडियंस को आप कैसे उन तक पहुंचेंगे, कैसे उन तक रीच करेंगे जो हो सकता है आपके चैनल के कंटेंट को पसंद करे लेकिन अभी तक उनके सामने आपका चैनल नहीं आ पा रहा है, तो आप उन तक कैसे पहुंचेंगे उसके बारे में आपको इसने टिप्स दी हुई हैं कि आप नए यूजर्स को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, नए व्यूअर्स को कैसे अट्रैक्ट करेंगे अपने चैनल की तरफ, और कैसे अपने जो आपके ऑलरेडी व्यूअर्स हैं जो आपके वीडियोज को देखते हैं उनको कैसे अपने चैनल के साथ जोड़े रखेंगे। तो इसके बारे में इसने आपको टिप्स दी हुई हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है गेट द टिप्स, इस पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उससे पहले मैं नीचे भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक ए मोमेंट टू एनालाइज योर चैनल एंड सी व्हाट वर्कड इन द पास्ट, विच फैन फेवरेट कॉन्टेंट और आइडिया कैन यू रिफ्रेश और ट्विक यूर कॉन्टेंट स्ट्रेटेजी टू अट्रैक्ट न्यू व्यूअर्स, फाइंड आउट हाउ यू कैन स्विच अप थिंग्स अप वाइल स्टेइंग ट्रू टू What your channel is about। इसका मतलब है कि आपको अपने चैनल के एनालिटिक्स में जाके एक बार उसे चेक करना है कि आपने जितनी भी वीडियोस डाली हुई हैं उसमें से जो वीडियो आपकी वायरल हो रही हैं, जो फैंस को ज्यादा पसंद आ रही है, वो कंटेंट क्या है, वो आइडिया क्या है जिसपे आप आगे वर्क कर सकते हैं। तो ये सब अब आपको टिप्स के बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ पे भी गेट द टिप्स है और यहाँ पे भी गेट द टिप्स है, आप दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं किसी एक पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर ले जाता हूं मैं इसे, ग्रोइंग योर चैनल। यहाँ पे आप देख सकते हैं YouTube आपको खुद बता रहा है कि आप अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे मेहनत करके आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, आपको क्या क्या करना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉर क्रिएटर्स हु आर लुकिंग टू टेक देयर चैनल्स टू द नेक्स्ट लेवल बट आरंट श्योर वेयर टू स्टार्ट, दिस इज फॉर यू, वी विल टेक यू डीपर इंटू एनालिटिक्स, एक्सप्लेन द साइंस बिहाइंड सर्च एंड मोर। मतलब ये आपसे कह रहे हैं कि वो क्रिएटर्स जो अपने चैनल को नेक्स्ट लेवल, मतलब अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं पर अभी तक वो इस चीज के लिए श्योर नहीं है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एनालिटिक्स के बारे में, इसकी यूट्यूब के जो भी इसका एल्गोरिदम है उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने 10-12 पॉइंट्स हैं, मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको मेन मेन से पॉइंट बना, मतलब मेन मेन बता दूंगा आपको, ठीक है, आप जाके इन्हें डीपर पढ़ सकते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले है हाउ टू रीच योर ऑडियंस, मतलब आप अपनी ऑडियंस को कैसे रीच करेंगे, जो आपके व्यूअर्स हैं उन तक आप अपनी वीडियो को कैसे पहुंचाएंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है वांट टू नो व्हाई योर रिसेंट वीडियो इज ब्लोइंग अप, अंडरस्टैंडिंग द वे इन विच योर व्यूअर्स फाइंड योर वीडियोज कैन हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें सबसे पहला पॉइंट है योर ऑडियंस एंड द एल्गोरिदम। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से एक पहरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे लिखा हुआ है टिप क्या है आपके लिए, आवर एल्गोरिदम डजंट पे अटेंशन टू वीडियोस, इट पे अटेंशन टू व्यूअर्स,
So rather than trying to make videos that make an algorithm happy, focus on making videos that make your viewers happy. इसका मतलब है कि यहाँ पे ये साफ साफ कह रहे हैं कि YouTube आपकी वीडियो के ऊपर अटेंशन नहीं देता, मतलब आप जिस तरीके का कॉन्टेंट बना रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं YouTube पे, YouTube उस चीज को देख के ग्रो नहीं करता, आपके आपको पुश नहीं करता, बल्कि वो उस चीज को देखता है कि लोग आके यूट्यूब पर क्या सर्च कर रहे हैं, आपके व्यूअर्स जो हैं या जो भी आपकी यूट्यूब पे आ रहा है वो क्या सर्च कर रहा है, कौन सी वीडियो को सर्च कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका कॉन्टेंट है, आपकी वीडियो है, तो वो उस वीडियो को आगे पुश करता है। मतलब आपके व्यूअर्स अगर हैप्पी हैं, आप इस तरह का कॉन्टेंट बनाएं जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं, और आप इस पे क्लिक करके इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम बंद करेंगे। अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, हाउ रिकमेंडेड वीडियोस। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी ट्रैक व्हाट व्यूअर्स वॉच, हाउ लॉन्ग दे वॉच, व्हाट दे स्किप ओवर एंड मोर। दिस हेल्प अस फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस दे लाइक बेस्ट एंड व्हाट वी कैन रिकमेंड टू देम नेक्स्ट। मतलब ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे व्यूअर्स आते हैं यूट्यूब पे, वो क्या देखते हैं, कितनी देर तक देखते हैं, हम उस चीज को नोटिस करते हैं, उस चीज को फिगर आउट करते हैं कि वो कौन सी वीडियो को ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, और वही उसी तरह का कॉन्टेंट हम रिकमेंड करते हैं अगले व्यूअर्स के लिए। मतलब उसी वीडियो को हम बूस्ट कर देते हैं जिस वीडियो को लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। तो आपको इस तरह का कॉन्टेंट बनाना है जो आपकी ऑडियंस देखना ज्यादा पसंद करती है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये लिंक दे रखे हैं आपको, वॉच ए वीडियो अबाउट रिकमेंडेशन, रीड मोर अबाउट हाउ वी रिकमेंड वीडियोस। ठीक है, इस पे क्लिक करके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब इस वाले पॉइंट को भी हम बंद कर देंगे। अब थर्ड पॉइंट है, प्लान योर प्रोग्रामिंग, इस पे क्लिक करेंगे। इसमें भी लिखा हुआ है थिंग्स लाइक हाउ लॉन्ग योर वीडियोज आर एंड हाउ ऑफन यू पोस्ट आर व्हाट वी हैड कॉल प्रोग्रामिंग। मतलब इसमें भी आपको ये बताया हुआ है कि आपके जो आप कंटेंट बना रहे हैं, अपनी वीडियो बना रहे हैं, उसको आपको इस तरीके से प्रोग्राम करना है, इस तरीके से बनाना है, जिससे आपके जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, वो आपके कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट हो सके, उन्हें एंटरटेनिंग लगे आपका कंटेंट। मतलब आपको अपने कंटेंट, अपनी वीडियो को जो एडिटिंग करनी है, उसकी जो प्रोग्रामिंग है, वो ऐसी करनी है जिससे व्यूअर्स उन्हें देखने के लिए मजबूर हो जाएं। मतलब व्यूअर्स को वो देखने में काफी अच्छा लगे, और व्यूअर्स के जो देखना चाहते हैं वही आप उन्हें दिखाएं। उसके बाद यहाँ पे वॉच वीडियोस ऑन प्रोग्रामिंग बेस्ट प्रैक्टिस, ये आप इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं लिंक पे डिटेल में। उसके बाद यहाँ पे नीचे है यूज डाटा टू मेक डिसीजंस। ठीक है, टेकिंग ए क्लोजर लुक एट योर चैनल एनालिटिक्स कैन हेल्प यू मेक इट बेटर। मतलब आपको अपने चैनल के एनालिटिक्स को देखना है अच्छे से। ठीक है, इसमें भी आपको तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, इसको मैं बता देता हूँ। गो डीपर विद एनालिटिक्स, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है विद मोर फिल्टर्स टू ग्रुप एंड ऑर्गेनाइज योर वीडियो, एडवांस मोड हेल्प यू डिग इनटू ट्रेंड्स लाइक व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट योर व्यूअर्स इंटरेक्ट विद मोस्ट, व्हाट वीडियो लेंथ वर्क बेस्ट एंड मोर। मतलब ये आपको कह रहे हैं कि आपके अपने एनालिटिक्स को आपको अच्छे से चेक करना है, उसको देखना है कि आपकी कौन सी वीडियो पे लोग ज्यादा देर तक देख रहे हैं, कौन सी वीडियो आपकी वायरल है, या कौन सी वीडियो आपकी लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है, जिसपे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, वो कौन किस तरह का कॉन्टेंट है, और आपको उसी तरह का कंटेंट, उसी तरीके का आपको वीडियो बनानी है अपनी ऑडियंस के लिए, जिसका जिस तरीके की वो वीडियोस देखना पसंद कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसमें, लेकिन इस वाले पॉइंट में आप यहाँ पे एक और ये लिंक दे रखा है, वॉच ए वीडियो अबाउट एनालिटिक्स, आप इस पे क्लिक करके और डिटेल में इसकी वीडियो देख सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, फिगर आउट हु यूअर व्यूअर्स आर। मतलब आप फिगर आउट करते हैं कि आपके व्यूअर्स कौन कौन से हैं, ये कैसे फिगर आउट करेंगे, आप अपने एनालिटिक्स में देखेंगे कि कौन सी वीडियो पे मेरे ज्यादा टाइम तक व्यूअर्स रुक रहे हैं, और कौन कौन से व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, वो आपको पता लग जाएगा कितने व्यूअर्स आपके वीडियो को देख रहे हैं, जो कंटिन्यूस आपके कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं, जिससे आप उस तरह का कंटेंट और बनाएं तो और व्यूअर्स आपके तरफ अट्रैक्ट हो सके। उस तरह का कंटेंट अगर आप बनाएंगे जिस तरह का व्यूअर्स देखना पसंद कर रहे हैं, तो आपका चैनल जो है वो जल्दी से ग्रो हो जाएगा। इसके भी आर्टिकल्स यहाँ पे दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पे रीड कर सकते हैं, आप वीडियोस दे रखे हैं लिंक, आप इन पे क्लिक करके देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। थर्ड पॉइंट है स्पॉट अपॉर्चुनिटी टू अर्न। तो यहाँ पे आप अच्छे से यूज करके, एनालिटिक्स का अच्छे से यूज करके, आप अपने CPM और जो RPM है आपका, रिवेन्यू पर माइल और कॉस्ट पर माइल, इसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, आपने उस कंटेंट को बनाया जो पब्लिक देखना पसंद करती है,
ठीक है, उस तरीके का कंटेंट बनाएंगे तो आपके ज्यादा व्यूज आएंगे, तो आपके जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट उस पर चलेंगी, ठीक है, तो उस तरीके से आपकी अर्निंग उससे ज्यादा होगी। इसके भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आर्टिकल दे रखे हैं, आप इन्हें जाके पढ़ सकते हैं और डिटेल में। उसके बाद नीचे है यहाँ पे, कीप योर कॉन्टेंट फ्रेश इवन इफ यू हैव ए लॉयल ऑडियंस, देयर ऑलवेज द चांस डेट यू आर मिसिंग व्यूअर्स हु वुड लव योर चैनल, हेयर आर सम टूल्स एंड टिप्स डेट कैन हेल्प यू अट्रैक्ट न्यू व्यूअर्स एंड मोर ऑफ देम। मतलब ये आपके जो चैनल है, काफी सारी ऑडियंस ऐसी होती है जो आपके चैनल को डिस्कवर नहीं कर पाती, लेकिन वो आपका कंटेंट देखना पसंद करती है, क्योंकि जिस तरीके का आप कंटेंट बनाते हैं वो कई लोगों को पसंद होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि आपका कौन सा चैनल है, वो आपका डिस्कवर नहीं कर पाती, आपका चैनल सर्च में नहीं आता। तो यहाँ पे कुछ हेल्प इन्होंने टूल्स दिए हुए हैं, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिससे आप नए व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें है कंसिडर कोलैबोरेशंस, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, कोलैबोरेशन आर ए ग्रेट वे टू कनेक्ट विद अदर क्रिएटर्स, लर्न न्यू स्किल्स एंड फाइंड मोर फैंस ऑफ योर चैनल। मतलब आप कोलैबोरेट कर सकते हैं दूसरे क्रिएटर्स के साथ, वीडियो बना सकते हैं दोनों कोलैबोरेट करके, जिससे आपके उसके जो फैंस हैं वो आपकी तरफ, आपके चैनल की तरफ, आपके चैनल को भी देखेंगे और अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर उसको उनको आपका कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो वो आपके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो इससे भी नई ऑडियंस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। अब बात यहाँ पे भी टिप्स ऑन कोलैबोरेशन, इसका लिंक दे रखे, आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद ट्राई आउट YouTube लाइव, आपको YouTube लाइव जरूर करनी है अगर आप अपने चैनल को जल्दी से ग्रो करना चाहते हैं, तो YouTube लाइव से आप डायरेक्ट अपने जो आपके व्यूअर्स हैं उनके साथ आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, उससे आप कोई भी क्वेश्चन, वो आप उनके क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं लाइव में जाके, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। लर्न मोर अबाउट लाइव, इस पे क्लिक करके आप इसकी वीडियो इस लिंक पे क्लिक करके और अच्छे से समझ सकते हैं। पाइवेट योर कंटेंट, इट्स नॉट ऑलवेज एन इजी डिसीजन बट सम टाइम ए पाइवेट इन योर चैनल्स कंटेंट नेसेसरी। तो आपको अपने कंटेंट पे फोकस करना है, आपको ये नहीं है कि मिक्स कंटेंट नहीं डालना, आपका जिस कैटेगरी का चैनल है आपको उसी कैटेगरी के चैनल पे कंटिन्यू वर्क करना है, कि आपकी कौन सी वीडियोस ऑडियंस देखना पसंद कर रही है, उस कंटेंट को, उस कंटेंट की जो भी कैटेगरी है आपकी उस पे आपको कंटिन्यूअस वर्क करना है। आप उसमें जितना अंदर जा सकते हैं उतना अंदर आप जा जाइए। उसके बाद यहाँ पे टिप्स फॉर प्राइवेट्स, यहाँ पे आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं इसकी, ठीक है, डिटेल में आप समझ सकते हैं। स्टार्ट ए सेकेंडरी चैनल, अब मान लीजिए आपने कोई चैनल बना रखा है और आपका मन कर रहा है कि मैं कोई व्लॉग भी अपने इसी में डाल दूं, शॉर्ट्स भी इसी में डाल दूं, या कुछ और कैटेगरी का चैनल, कुछ और कैटेगरी की वीडियोस आपके माइंड में आ रही हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं इसी अपने मेन चैनल के अंदर ही डाल दूं, जो मेरा चैनल है दूसरा चैनल ना बनाऊं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आपको इस तरीके से कुछ भी माइंड में, अगर आप सेकेंडरी एक्सपेरिमेंट कुछ करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए अलग चैनल बनाना चाहिए, स्टार्ट ए सेकेंडरी चैनल, और उस पर आप अपनी वीडियो डालें, ठीक है। वॉच ए वीडियो अबाउट सेकेंडरी चैनल्स, इन लिंक्स पे क्लिक करके आप और अच्छे से इन्हें समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट पॉइंट है इनका, कीप इट फन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आप अपना कंटेंट बनाते हैं उसे आप ऐसा बनाएं जिससे ऑडियंस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, मतलब वो ऑडियंस को पुश कर सके, उनको एंटरटेन कर सके, इस तरह का कंटेंट आप बना सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा ऐसा कंटेंट बनाएंगे उतनी जल्दी आपका चैनल ग्रो होगा, आपके व्यूज बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, उतनी जल्दी आपको ग्रोथ मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे, और इसके अलावा नीचे यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट्स आप बना सकते हैं जिससे आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, या किसी भी तरह का कुकिंग का चैनल हो या और भी शॉर्ट्स के, कैसे काफी सारे चैनल हैं जो आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इनकी पॉलिसीज और गाइडलाइंस हैं, ठीक है। तो ये सब था यहाँ पे, मेन पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए, आप इनको जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं कि आपको कैसे अपने चैनल को ग्रो करना है। तो फ्रेंड्स, अब आप ये अच्छे से सीख गए होंगे कि आप किस तरीके से इन 10-12 पॉइंट्स का यूज़ करके, इन YouTube के इस नए अपडेट को फॉलो करके कैसे अपने चैनल को आप ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने व्यूज़ बढ़ा सकते हैं। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।